बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस फोटो में ऐसा क्या है, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल इस फोटो में सलमान शर्मिन सहगल के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं। फोटो फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने आंखों की गुस्ताखियां माफ हो के शूटिंग सेट पर खींची गई थी। कहा यह जा रहा है कि फोटो में पीछे खड़ी लड़की ऐश्वर्या राय है, जिसे सलमान ने क्रॉप कर दिया है। वहीं इस फोटो के चलते फैंस ने सलमान को ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट। जिस तरह से उसने तस्वीर को क्रॉप किया है वो काफी फनी है। पीछे तो देखो, पीछे देखो, आपका प्यार है। क्या वो ऐश्वर्या है? सबसे खूबसूरत महिला। अरे तस्वीर को क्रॉप क्यों कर दिया? बता दें कि सलमान खान ने अपने ट्वीट में संजय लीला भंसाली की भतीजी शर्मिन को अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, तो अब वक्त है छोटी शर्मिन को मलाल से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करते हुए देखने का। ईश्वर तुम्हारा ये सफर प्यारा और लकी बनाए। शर्मिन की फिल्म मलाल का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि यूजर्स के इन कमेंट्स पर सलमान खान कैसे रिएक्ट करते हैं। बात करें भाईजान के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो जल्द ही उनकी फिल्म भारत रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के अलावा वो क्रिसमस पर दबंग 3 लेकर आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सलमान ने ऐश्वर्या को इस फोटो से क्रॉप करके ठीक किया या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। So how does this feel to see this on the big screen for the first time? क्या बताऊं? कुछ भी बता दो। चालू है भाई। सही है, ले लो। नहीं जरूरत नहीं, माइक वहां बस पहुंच रही ना। यस सर। दिल की आवाज से पहुंचनी चाहिए। पर कैमरास में माइक आवाज पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। तो दीजिए आपको माइक। हां, कैसा फील हो रहा है आपने पूछा? पहली बार बड़े पर्दे पे देख के। मैंने कल देख लिया था पर्दे पे पहली बार। Sorry. No, I am extremely, extremely moved right now. Extremely emotional. पहले कुछ बोलूँ तो माइक पकड़ूँ ना। You know, चार साल पहले शर्मिन बाजीराव मस्तानी के मैं असिस्टेंट थी वो, तो मैंने कहा कि मेरे को कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए किसी को लेके आओ आप। तो वो लेके आई मीज़ान को। वो कुछ स्कूल में पढ़ रहे थे तब, न्यूयॉर्क में कहीं पढ़ रहे थे। वो एंटर हुआ और मैंने कहा दिस इज़ अ स्टार, ये तो अनस्टॉपेबल। मैंने दूसरे दिन जावेद भाई को फ़ोन किया। सो एनीवे, एंड देन लिटिल शर्मिन हु वाज 85 kgs, 90 kgs, and then I said, "Baby, I'll make you a star because she always wanted to be an actor, and she has worked so hard to become what she is. So I love the two of you immensely. To see my mother first, we was whistling away to glory. It's always a moment to see her happiness. I think that's what matters. To see Deepak and Bela over here." Who have always to see their child on screen. Mohan ji, Deepak's father, introduced Rekha ji at one point in Sawan Bhado. Today, I'm introducing Sharmin, so it's a big deal for us. To see Javed bhai here and to see him smiling and to see how his boy has nurtured and grown, I think he's the star of the century, Javed bhai. So you please remember one thing. These are two kids who are going to rock it because I can see what is here and I understand what you feel like right now. I understand what he feels and what she feels. It's 2 years of hard work and tolerating me. I mean, they have been very strong kids. They have jailed me. They have listened to me. We have laughed together, smiled together. I've fired them, not together. But I have loved every minute of creating what I have
प्रियदिन मलाल, भूषण जी, इनके साथ मेरा पहला कोलैबोरेशन है एज प्रोड्यूसर। बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने का। तंग भी करते हैं, तकलीफ़ भी देते हैं, बट मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं वो, और हम बहुत काम करें आगे जाके, ये उम्मीद रखता हूँ। महावीर भाई मेरे भाई जैसे हैं, वो इतने कमाल के इंसान हैं, मेरे बहुत दिनों के बाद एक अच्छे इंसान को मिला हूँ। तो आपसे, आपके साथ काम करके भी बहुत मज़ा आया महावीर जी, आप हमेशा खड़े रहते हैं हमारे साथ, सो गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। एंड हमारे मंगेश जी, वो मंगेश जी इतने इतने अच्छे डायरेक्टर है कि कभी कभी उनके कुछ चीज़ें देख के मुझे जलन होती है कि ये इतना अच्छा कैसे किया आपने। उनको मैंने बहुत तकलीफ़ भी दी है, बहुत प्यार भी दिया है, उनको छोटे भाई के जैसे रखा है, और वो बहुत टैलेंटेड है और वो बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है। और उन्होंने इतनी खूबसूरती से इन दोनों के बच्चों के पास काम करवाया है, सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मंगेश जी, यू आर वंडरफुल एब्सोल्युटली। मैंने ये कहा कि मैंने आपको तंग किया, बट मैं ये कहना भूल गया कि आपने भी मुझे तंग किया। हाँ, और मेरे जो इम्पोर्टेंट दो पिलर्स है, प्रेरणा और चेतन, ये इनके बगैर मैं कुछ ना कर पाऊँ, उनके बगैर मैं कुछ हूँ नहीं। उनका जो साथ है, उनका जो विजन है, जो सारा दिन मेरे पास काम करवाते हैं ये दोनों, लेकिन बहुत मज़ा आता है उनके साथ, और आई लव द टू ऑफ यू ऑल इमेंसली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैंने आपके एक छोटे से सवाल का बहुत लंबा जवाब दे दिया। सर सब आपको सुनने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। दो सर और दो नहीं, बस हो गया। Well, if Mizan and Shamin have had this loving, supporting hand on their shoulder throughout the making of the film, like I've had for the past minute and a half, you all have nothing to worry about. So, without further ado, sir, bula le sir aapke star cast ko stage par. Mere dono bachcho aa jao. Sharmeen Sehgal, ladies and gentlemen, and Mizan. Getting thank very, you, very you, emotional you. In the front row. Thank you. Mizan, bahut hi emotional moment hai. Your dad was also getting senti sitting right there. Yeah, it's... Has it begun to feel real? Ki abhi ho raha hai, wo date likhi hui hai piche, 28 June. I know, it's been a while and we've really been waiting and, you know, we've put a lot of love into this project. Mm. And my legs are shaking. it's really overwhelming watching it on this big a screen. Right. You don't... You see it in the office, but sometimes when so decides, haan chalo, do you want to see what you all have done? But watching it like this, it's a whole different experience. Like I just felt like sitting there and crying. It just felt unreal. It was unbelievable. Sharmeen, you're debuting with the Sanjay Leela Bhansali production. Now, Sanjay sir has given a lot of actresses a lot of amazing roles to play in their careers, which have been landmark movies in their careers. And now your name is, you know, in the likes of Manisha Koirala and Priyanka Chopra, Deepika Padukone. Does it, like... Those are really, really pinching, big names. Pinching yourself every morning when you get up? It's a surreal feeling that Sanjay Leela Bhansali thinks about you. It's like, you don't think that when you get a call saying, how are you doing? Is everything going well? You go... Like the one of the biggest directors in this country is calling you and saying, how are you doing? You better be doing well. Doing great, sir. Yeah, I'm trying to. Because you can't be 100% sure. But it feels amazing. It feels unreal that you're... And the actresses that you named are too big. Hopefully at some point in my life, I'll get to where they've gotten to. But I'm just right now really happy and like not here.
meant. Mizan, same question to you, because you know when you look at the actors, the male actors Sanjay sir has worked with, there's Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, and Salman Khan, so many. And to hear you know, your name again, in the same sentence. Really, really big names to be even comparing yourself with. And there's a long way to go. Yeah. And you know, I hope it's a lot of pressure and a lot of responsibility, you know. And I hope that we've done justice to it, because we've put in a lot of effort and a lot of love into this project. And you know, I hope everyone likes it. Yeah. Mizan, when did you know that you were going to be a lead, the lead in Malal? When that happened? Around 2 years, 2 years back, 3 years back actually. I had met Sir 5 years back when he was working on the pre-production of Bajirao, and he told me that he wanted to launch me and that I should act. And I'll never forget that day. It was